आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के अवसर पर सबको बधाई शुभकामनाएं। पूरे देश भर में बहुत धूमधाम से हनुमान जयंती मनाया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान मंदिरों में जा रहे हैं और साथ ही अनेक प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। सबको बधाई शुभकामनाएं। पहली बात तो है कि रमन सिंह जी को क्या जिम्मेदारी मिली है? उसके पार्टी ने उसको जिम्मेदारी दी है कि उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा ये पता है? ठीक है, थैंक यू। मैं तो पहली बताया कि CWC के मेंबर के जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि रायपुर अधिवेशन में जो तय हुआ है वो CWC के जितने मेंबर हैं उसके नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को दिया गया है। अब वो नियुक्ति पहले होगी ऐसा मैं मानता हूँ, उसके बाद फिर प्रदेशों का नंबर आएगा। सर केंद्र ने एक देखिए ये मामला एक किसानों के बीच का मामला है, मैं बृहस्पति से कहूँगा उनको बुला के बात कर लें। IPL का तो वो उसका अलग अलग कुछ हाउस वगैरह बनता है, उसके बाद वो लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ रायपुर में भी यदि कोई ऐसा एक टीम बन जाए तो भविष्य में होगा। सर आज एक विज्ञापन छपा है प्रधानमंत्री जी के नाम से। अभी तक के प्रधानमंत्री जो भी विज्ञापन आया केंद्र सरकार को विज्ञापन आता था पूरे राष्ट्रव्यापी आता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य के उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन आया है। नारी शक्ति अब सशक्त, छत्तीसगढ़ में कितने शौचालय बने, कितने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए और जल जीवन मिशन के माध्यम से कितने को कितने घर में कनेक्शन मिला छत्तीसगढ़ में, इसके आंकड़े का विज्ञापन आया है। तो अब प्रधानमंत्री जी देश के होते हैं, देश भर में जितने उन्होंने उज्ज्वला गैस बांटा, जितने शौचालय बनाए, जितने जल जीवन मिशन के माध्यम से कनेक्शन दिए, उसके यदि विज्ञापन आता समझ आता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में कितने कितने हुए उसका विज्ञापन आया पहली बार। मैं तो नहीं समझा सकती थी पहले कभी आया हो इस प्रकार से। तो बस मुझे इतना कहना था, आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो। हमने उसको उसके बारे में पत्राचार भी किया है और वित्त मंत्री की जब बैठक हुई थी तब भी हमने कहा है कि वो पैसा आखिर एक निकाल के रख दें तो भाई मान लो स्वीकृत हुआ तो उसके बाद फिर उसके DPR बनेगा, उसके टेंडर लगेगा, उसके बाद निर्माण होगा, तब भुगतान होगा। वो तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो साल दो साल तीन साल चार साल चलता है और सारे राशि एक जगह डम करके रख दो तो उससे न केंद्र का भला होना न राज्य का भला होना, और यदि वो खजाने में रहेगा उसका लाभ राज्य को भी मिलेगा। तो इसका तो हमने कहा कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बीजेपी भ्रष्टाचारियों का कैसे देख रहे हैं? हनुमान जी तो सबके हैं और वो ज्ञान के शक्ति के भक्ति के भंडार हैं, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। तो अन्याय जो करेगा उसको सजा हनुमान जी देते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो सब लोग जहाँ भाजपा में जाते हैं उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तो हनुमान जी पहले उन्हीं की सजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये स्थापना दिवस की बधाई। आज ही दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ, 80 के आसपास संभवतः बना, उनको मैं शुभकामना देता हूँ। लेकिन जो अटल जी और आडवाणी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि वो रास्ता से भटक चुकी है। कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में या घर बैठ गए हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं जिन लोगों ने स्थापना की थी? और ये कब्र वगैरह तो मुसलमानों में होता है क्या? कब्र किस कौन खोदते हैं? आप हिंदू हैं तो कहाँ होता है, आप मतलब क्रिमिनेशन कहाँ होता है? जो हिंदू लोगों को कहाँ होता है? शमशान में होता है। क्या होता है? चिता जलाया जाता है, अंत्येष्टि होता है। तो कब्र कैसे खुदेगा भाई इसका?
दूसरी बात, अभी भाजपा विधायक दल के लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं जल्दी उनकी भेंट हो, लेकिन अभी तक के 4.5 सालों में उनको छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में सुध नहीं आई, अब आया है। लेकिन मैं नारायण चंदेल जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पहले तो GST की जो क्षतिपूर्ति है वो बंद है, उसको वापस दिलाने की मांग करें। दूसरा, 4100 करोड़ से अधिक की राशि कोयले रॉयल्टी के जो है उसको दिलाने की बात करें। धान के एक एक दाना के संग्रहण के बराबर केंद्र सरकार हमसे चावल ले। सभी यात्री ट्रेन पुनः यथावत नियमित रूप से परिचालन हो। राज्य के उद्योगों को कोयला और आयरन ओर की निर्बाध आपूर्ति हो। नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों से जाने से रोकने की बात करें। जनगणना और जातिगत जनगणना और SECC के सर्वे तत्काल प्रारंभ कराएं। आरक्षण विधेयक को संविधान 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कहे। चिटफंड घोटाले में जो पीड़ित परिवार हैं उसे वापस दिलाने के लिए जो चिटफंड कंपनियां जो राशि टकार लिए हैं उसे वापस दिलाने में सहयोग करें। और रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ हो उसकी मांग करें। और मेट्रो रेल और मोनो रेल के हमने बजट सत्र में घोषणा की है उसमें सहयोग की बात करें। ये प्रदेश की जनता के ओर से उनको करना चाहिए। देखिए, हमारा तो ये है कि यदि आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार की ओर से किया जाता है, जनगणना किया जाता है, और तो उससे हमको डाटा मिलता, सभी राज्यों को मिलता, तो उसमें हितग्राहियों को कितना लाभ मिला कितना नहीं मिला। और दूसरी बात ये है कि नए हितग्राही कितने हैं उसको लाभान्वित करना है, उसके लिए योजना बनाना है, वो तो हुआ नहीं। आवास की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे, तो आवास के लिए तो हमने 3200 करोड़ रुपया तो बजट आवंटन में रखा ही है। उसके अलावा जो नए हितग्राही हैं उसका सर्वे हम करा रहे हैं, शौचालय की भी स्थिति देख लें, और उज्ज्वला गैस योजना के तहत कितने लोग उसको रिफिलिंग करा रहे हैं, उसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी इस सर्वे में रखा गया है ताकि स्थिति पता चले। आपने दे तो दिया, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है शौचालय का, गैस सिलेंडर का, ये तो जानकारी हो। यदि उसका जवाब है तो मैं समझता हूँ उससे तो अच्छा, उसका जवाब तो ये होना चाहिए कि तुरंत सर्वे करा देते। ये आंकड़े देने के बजाय तुरंत सर्वे करा देना था, पूरे देश भर में सर्वे हो जाता तो सही जवाब होता। मैं नहीं समझता ये सही जवाब। ठाकुर रमन सिंह जी ED के मामले में बोल रहे थे जांच पूरी हो गई, और लगातार 3-4 दिन से वो सीरीज चलाए हुए हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि ED की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में छत्तीसगढ़ शासन को भी पक्षकार बनाया गया। उस याचिका में ED ने ये जानकारी दी है कि नान प्रकरण की जांच अभी जारी है। ED के प्रवक्ता होने के बाद भी, मतलब ठाकुर रमन सिंह की ED के प्रवक्ता बने हुए हैं, लगता है ED का आला अधिकारी ठाकुर साहब को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। पर राज्य की जनता के सामने ठाकुर साहब को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। 18 आरोपी थे, 9 के खिलाफ रायपुर विशेष न्यायालय में ACB का द्वारा अनुपातहीन संपत्ति होने का चालान भी पेश किया जा चुका है। 9 लोगों को अभी ED द्वारा एक बार भी बुलाया नहीं गया है। जांच पूर्ण होने की बात हास्यास्पद है। मुख्य मुद्दा ये है कि CM सर और CM मैडम कौन है, और उस डोमेन में पैसा गया है जहां वो जांच नहीं कर सकते ACB, ये उन्होंने कहा है, तो आखिर उस कौन सा डोमेन है जिसमें राशि गई है। और इस मामले में
2015 से ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा नान घोटाले के में सीएम मैडम और सीएम सब के बारे में विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी अनेक बार इस मामले को हम लोग उठाया। और 2019 में ईडी में नान प्रकरण के जांच के आदेश देने की जानकारी ठाकुर रमन सिंह ने मीडिया को, क्षमा चाहूँगा, मेरे मांग पर प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2019 में ईडी से नान प्रकरण की जांच के आदेश देने की जानकारी मीडिया के माध्यम से ठाकुर साहब को दे दी गई थी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बात की जानकारी केंद्र सरकार ने या मोदी साहब ने रमन सिंह को जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि बार बार वो मिलते रहते हैं, इसको जानकारी है कि नहीं है? और इसके बारे में सीएम मैडम और सीएम सर के बारे में वो जानकारी दे।